सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने एयरटेल सिम पर डू नॉट डिस्टर्ब मतलब DND सर्विस को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कर लेना, बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने एयरटेल सिम पर डू नॉट डिस्टर्ब मतलब जैसे कि काफ़ी ज़्यादा प्रमोशनल मैसेज आते हैं आपके पास, बैंकिंग के मैसेज आते हैं, लोन्स वगैरह के मैसेज आते हैं, फालतू के जितने भी आपके डिस्टर्ब करने वाले मैसेज आते हैं तो आप DND सर्विस को लगाकर उनको आप इग्नोर कर सकते हैं मतलब हटा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कर लेना बिकॉज वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपके साइड पर शो हो रही होगी। इस मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आपको बता रहा हूं कि डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस को आप अपने एयरटेल सिम पर कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल से आपको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना पड़ेगा एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन पर डाउनलोड होते ही आप रजिस्टर कर लें अपने फोन नंबर को एंड इसके बाद सिंपल से इधर पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है प्रीपेड, और साथ में आपका जो भी वैलिडिटी होती है ये दिखाई जाती है। इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है एंड गाइस जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इधर पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मोर का, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करना है एंड इधर पर सबसे लास्ट ऑप्शन DND का देखने को मिल जाता है। इस DND के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है एंड गाइस जैसे ही इधर पर DND के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इधर पर आपको DND का फर्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो मैनेज का एक ऑप्शन देखने को मिला है। इस मैनेज के ऑप्शन पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है एंड गाइस इधर पर क्लिक करते ही कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा आपको देखने को। तो इधर पर एयरटेल मोबाइल सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा और इधर पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इधर पर फर्स्ट ऑप्शन जो आपको देखने को मिलता है ब्लॉक ऑल एक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशंस का, इस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो जितने भी आपके मैसेजेस आते हैं प्रमोशनल वाले मैसेजेस या फिर कॉल्स वगैरह आती हैं वो सभी बंद हो जाएंगी। बट जो सेकेंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ब्लॉक प्रोमो का, इस पर आप क्लिक करते हैं तो जितने भी प्रमोशनल वाले मैसेजेस आते हैं वो आपके ब्लॉक होने वाले हैं। तो आप इधर पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ये भी देख सकते हैं कि आपके जो भी मैसेजेस आते हैं प्रमोशनल वाले, तो इधर पर बैंकिंग के आते हैं तो बैंकिंग का हटाना चाहते हैं तो इस पर अनटिक करेंगे, अगर नहीं हटाना चाहते हो तो सिंपल से इस पर आप टिक कर देंगे, हटाना चाहते हैं तो अनटिक कर देंगे। तो इधर पर आपको देखने को मिल जाते हैं जितने आपको, तो इधर पर जिनको आपको मैसेज आने चाहिए आपके फ़ोन पर उनको आप इधर पर हटा सकते हैं। जैसे कि इधर पर एजुकेशन के आप हटा सकते हैं, जो मतलब जो आपकी ज़रूरतमंद होते हैं मैसेज वो आना आपके लिए अच्छा है तो इधर पर हटा सकते हैं। वरना आप सोचते हैं भाई किसी भी टाइप का हमारे में मैसेज फालतू का ना आए तो सिंपल से सभी को आप एक्टिवेट कर सकते हैं और सबमिट पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है एंड इधर पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुल योर नंबर हैज़ बीन रजिस्टर्ड फॉर DND का ऑप्शन देखने को मिला है, मतलब जो आपके नंबर पर DND सर्विस है वो एक्टिवेट कर दी गई है। जिस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने एयरटेल सिम पर DND सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं कुछ स्टेप्स को फॉलो करके, बट जो भी आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन पर मुझे बोल सकते हैं, मैं सभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक्स वॉचिंग गाइस।